दोस्तों इस वीडियो पर अगर बात किया जाए तो बजाज हिंदुस्तान कंपनी का स्टॉक देख सकते हो निफ्टी 50 से बहुत ही नीचे है दोस्तों रिटर्न देने में। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो मैं कहूँगा तो इस स्टॉक में अभी के टाइम पर ट्रेड ना करना ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, इससे तो बेटर दोस्तों येस बैंक है। येस बैंक एटलीस्ट तो निफ्टी 50 के साथ चल रहा है। ठीक है, और इसका प्राइस और येस बैंक का प्राइस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो इससे बेटर तो येस बैंक दे देगा अगर आपको 12 रुपीज़ का कोई स्टॉक चाहिए। पर मैं कहूँगा दोस्तों सस्ते स्टॉक नहीं ढूंढना चाहिए आपको, आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही स्विंग ट्रेडिंग करना है दोस्तों। ठीक है, ना कि कुछ छोटा मोटा स्टॉक में पैसा लगा दिया और स्विंग भी किया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, इसको स्विंग नहीं कहा जाता। इसमें दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों मैं कहूँगा नुकसान होने का चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर लॉटरी क्या आप खेल रहे हो क्या? आपका माइंड में वो काम करना चाहिए कि आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका स्टॉक मार्केट का जो काम है वो एक बिजनेस की तरह होना चाहिए। ठीक है, ना कि लॉटरी की, लग जाए तो लग गया, लग जा नहीं लगा तो नहीं लगा। ठीक है, तो बाकी सारा वीडियो देखा देखो दोस्तों, देख के 3 पार्ट में उन वीडियोज़ को डिवाइड करो। ठीक है, तो इसका अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 12 रुपीज़ 20 पैसे के आसपास जा सकता है ये स्टॉक दोस्तों जुलाई मंथ का इस सेकेंड वीक में। ठीक है, पर मैं कहूँगा इससे बेटर और भी बहुत सारे स्टॉक है, उनमें पैसा लगाओ। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय दोस्तों।